प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 13। एक दुकानदार ने 2 रुपया 40 पैसे प्रति दर्जन की दर से कुछ अंडे खरीदे। किस रेट में लिया? 2 रुपये 40 पैसे प्रति दर्जन की दर से कुछ अंडे खरीदे। कितना खरीदा ये नहीं दिया हुआ है, तथा उतने ही अंडे 6 रुपये कोरी प्रत्येक 20 यानी 20 अंडा 6 रुपये के हिसाब से मिलता है, तो फिर उतना ही अंडा खरीदा। यानी वह व्यक्ति अंडा 2 बार खरीदा, एक बार किस रेट में खरीदा तो 2 रुपये 40 पैसे प्रति दर्जन, दूसरे बार उतना ही अंडा लिया किस रेट में तो 6 रुपया में 20 अंडे के हिसाब से। हिसाब को समझ रहे हो? अब सभी अंडों को 30 रुपये प्रति सैकड़ा की दर से बेच डाला। जितना खरीदा था उसको कैसे बेचा, तो 100 अंडा का दाम 30 रुपये के अनुसार, यानी 30 रुपया में 100 अंडा, समझा? तो उसे लागत मूल्य पर 18 रुपये का लाभ हुआ, तो बताए उसने कितने अंडे खरीदे थे। तो यहाँ आंसर मांग रहा है अंडा में। मान लो दुकानदार ने एक्स अंडा खरीदा, समझा? देखो, एक दुकानदार ने 2 रुपये 40 पैसे प्रति दर्जन की दर से कुछ अंडे खरीदे। अंडा का क्या रेट है? 2 रुपया 40 पैसा प्रति दर्जन, दर्जन मतलब 12 अंडा। 12 अंडा का दाम 2 रुपया 40 पैसा के हिसाब से खरीदा है, 2 रुपये 40 पैसे प्रति दर्जन, यानी 12 अंडे का दाम 2 रुपया 40 पैसा। तो एक्स अंडा लिया, तो एक्स अंडा का कितना दाम होगा निकालेंगे। चूंकि 12 अंडे का दाम, एक दर्जन मतलब 12 अंडे का दाम 2 रुपया 40 पैसा है, 2 रुपया 40 पैसे, इसको रुपया में कैसे लिखोगे, तो 2 रुपया हुआ 200 पैसा, हुआ ना? और फिर 40 पैसा अलग से है, तो 240 पैसे टोटल हो गया। 240 पैसे कितने रुपये? तो 100 पैसा, 1 रुपया, इसीलिए 1 पैसा, 1/100 रुपया, इसीलिए 240 पैसा। 1/100 × 240 रुपया, 24 में 10 से भाग देंगे, 2.4 रुपये। ये पहले भी हम बतला दिए है ना, यानी अंडा कैसे खरीदता है दर्जन, तो 2 रुपये 40 पैसे, इसका मतलब 2.4 रुपये, 2 रुपया 40 पैसा 2.4 रुपया हुआ। 12 अंडे का दाम 2.4 रुपये है, 1 अंडा का दाम, और फिर 1 अंडा खरीदा तो उसका दाम निकल जाएगा, इसीलिए 1 अंडे का दाम कितना होगा, एक एक नियम से दायां बटा बायां, 2.4/12 रुपये, इसीलिए एक्स अंडे का दाम, इसको काटोगे 12 × 24, 0.2 होगा, तो 0.2 रुपये × एक्स अंडा का दाम, एक्स से गुना कर दो तो ये हो गया, 2 को तोड़ेंगे तो 2/10 एक्स, 2 × 2 = 10, यानी बराबर 1/5 रुपया हुआ। अर्थात एक्स अंडे का क्रय मूल, खरीदने वाला दाम कितना हो गया, 1/5 रुपया। बोलो, इतना समझा कि नहीं? समझ गया। समझ गया।
तो एक दुकानदार ने 2 रुपये 40 पैसे प्रति दर्जन की दर से कुछ अंडे खरीदे, हम लोग यहाँ तक बनाए हैं। 2 रुपये 40 पैसे दर्जन के हिसाब से एक्स अंडा का दाम निकाले हैं, एक्स अंडा खरीदा है। फिर कहता है तथा उतने ही अंडे, यानी एक्स अंडा फिर खरीदता है, उतने ही अंडे 6 रुपये कोरी की दर से खरीदे। कोरी का अर्थ 20, 12 को एक दर्जन कहते हैं तो 20 को एक कोरी कहा गया है। तो 6 रुपया में 20 अंडा के हिसाब से फिर उतना ही अंडा खरीदा, यानी एक्स अंडा फिर खरीदा। तो लिखेंगे पुनः 6 रुपये कोरी प्रत्येक 20 की दर से खरीदे, यानी प्रत्येक 20 अंडा 6 रुपया में मिलता है। यानी पुनः 20 अंडे का दाम कितना, का दाम 6 रुपया है, इसीलिए एक अंडे का दाम 6/20 रुपया होगा। कट करके ये 3 × 10, यानी 3/10 रुपया एक अंडा का दाम, इसलिए एक्स अंडा फिर खरीदा। तो एक्स अंडा का दाम 3/10 × x = 3x/10 रुपये। समझ रहा है तू प्रिंस? यानी कुल अंडा, पहले एक्स अंडा खरीदा फिर एक्स अंडा खरीदा, तो कुल अंडे कितने हो गए? कुल अंडे पहली बार खरीदा एक्स अंडा, फिर दूसरी बार एक्स अंडा, तो एक्स अंडा जोर एक्स अंडा बराबर 2x अंडे होगा। तो अब 2x अंडा को खरीदने में कितना रुपया लगा और 2x अंडे का किराए मूल, पहले एक्स अंडा का किराए मूल 1/5 रुपया लगाना, अब फिर खरीदा एक्स अंडा तब लगा कितना 3x/10 रुपया। 2 बार अंडा लिया इतने रुपये हो गए, इसका लघुत्तम लोगे तो 10 2x + 3x = 5x/10 रुपये, 5 × 5 = 10 = x/2 रुपये। बोलो समझा? 2x अंडा खरीदने में कितना लगा? 1/2 रुपया। इसको समझ गया तो मिटाबे। तो दुकानदार के द्वारा खरीदे गए कुल अंडे कितना? बोलो, पहली बार एक्स अंडा लिया, दूसरी बार भी एक्स अंडा लिया, तो कुल अंडे 2x अंडा खरीदा। तो दुकानदार के द्वारा खरीदे गए कुल अंडे बराबर 2x। तथा 2x अंडे का खरीद रेट यानी किराए मूल कितना हो गया? 2x अंडे का हम लोग निकाले हैं किराए मूल, तो 1/2 रुपया, 1/2 रुपया। तो इतना तक समझने में कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखो, अब सभी अंडों को 30 रुपये प्रति सैकड़ा की दर से बेचा, यानी कैसे बेचा? 30 रुपया में 100 अंडे के हिसाब से, उसके पास कितने अंडे हैं? 2x अंडे हैं, तो 2x अंडे को किस रेट में बेचा? 30 रुपया प्रति सैकड़ा की दर से, यानी 30 रुपया में 100 अंडे के हिसाब से बेचा दुकानदार, यानी 100 अंडा का दाम 30 रुपया है। तो 2x अंडा जो खरीदा है इसका दाम निकालेंगे
अब प्रश्न से 2x अंडे का विक्रय मूल्य कितना होगा ये निकालना है। तो चूंकि बेचने वाला रेट है 30 रुपया प्रति सैकड़ा, यानी 100 अंडे का दाम 30 रुपया, इस हिसाब से बेचते हैं 100 अंडे को 30 रुपया में। तो 100 अंडे का दाम 30 रुपया या 100 अंडे को 30 रुपये में बेचता है, यही हुआ इसका अर्थ। इसलिए एक अंडा को 30 बटा 100 रुपये में, 0 0 कट गया, बराबर 3 बटा 10 रुपये में। इसीलिए टोटल अंडा 2x है, 2x अंडा को कितना में, तो 3 बटा 10 गुने 2x, 2 × 2 = 10, 3 × x 3x/5 रुपये में बेचा। हुआ क्लियर? यानी 2x अंडे का विक्रय मूल्य बराबर 3x/5 रुपया, और 2x अंडे का क्रय मूल्य खरीदा कितना में था, 1/2 रुपया में। कह रहा है उसे लागत मूल्य पर 18 रुपया का लाभ हुआ, यानी 2x अंडा को इतना में खरीदा, बेचा इतना में, तो 18 रुपया लाभ हुआ। इसको ऐसे समझो, 2x अंडा को अगर मान लो 20 रुपया में खरीदा तो बेचा 18 रुपया लाभ हुआ, तो 20 जोड़ 18 इतना रुपया हुआ, 38 रुपया में बेचा। इसका मतलब ये है तुमको 20 18 38 रुपया, ये तो ये कितना हो गया, ये हो गया 20 रुपया, यानी 20 रुपये में अगर खरीदा तो 18 रुपया का लाभ हुआ, यानी 1/2 रुपया में खरीदा तो 18 रुपया का लाभ हुआ। तो अगर ये 20 रुपया है तो ये 20 जोड़ 18 38 रुपया है। अगर ये मान लो खरीद रेट है 15 रुपया तो ये 15 जोड़ 18 33 रुपया है ना, यानी इसमें 18 रुपया का अंतर है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं प्रश्न के अनुसार विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है, 18 रुपया है ना। प्रश्न से विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 18 रुपया अधिक है, 18 रुपया लाभ हुआ, तो जितना में खरीदा 18 रुपया फायदा लेकर के बेचा। तो इसको हम लोग समीकरण के रूप में कैसे लिखेंगे, समीकरण के रूप में लिखेंगे विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 18 रुपया अधिक है, इसका अर्थ हुआ यानी विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य, क्रय मूल्य से 18 रुपया अधिक, तो 18 रुपया जोड़ देंगे, बोलो विक्रय मूल्य कितना है, 2x अंडे का, 2x अंडे का विक्रय मूल्य 3x/5 रुपया, 3x/5 रुपया। क्रय मूल्य कितना है 2x अंडे का, क्रय मूल्य 1/2 रुपया, 1/2 रुपया जोड़ 18 रुपया, रुपया तीनों जगह है तो कॉमन में हटा दो, कट जाएगा। अब ये हो गया इक्वेशन, इसको सोल्व करेंगे। तो ये हो गया 3x/5, माइनस में आ जाएगा जी, कहीं मिस्टेक हुआ है। विक्रय मूल्य लाभ हुआ है 18 रुपया का, तो
तो क्रय मूल्य से 18 रुपया अधिक है, क्रय मूल्य में 18 रुपया जोड़ दिए, क्रय मूल्य 3x/5 है, यही है ना कि x/2 है, क्या विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य है 3x/5, इसको इधर लाएंगे 5x माइनस में आ जाएगा, कहीं पर मिस्टेक हुआ है, रुको, दूर के 40 पैसे प्रति दर्जन, यानी 12 अंडे का दाम हो गया 2.4 रुपया, एक अंडे का दाम 2.4/12 रुपया, ये कट करके हो गया 12×2=24.2, 12 को 2.2 से गुणा करेंगे तो 2.4 रुपया, इसीलिए x अंडा पहले लिया तो 0.2x रुपया, तो हो गया 2/10 x/5 रुपया, x/5 रुपया में पहले x अंडा लिया और फिर x अंडा लेता है, यानी x अंडे का दाम हो गया x/5 रुपया, अब फिर लेता है किस दर से, इतने ही अंडे 6 रुपये कोरी प्रत्येक 20 की दर से लेता है, यानी 20 अंडे का दाम 6 रुपया, एक अंडे का दाम 6/20 रुपया कट करके हो गया 3/10 रुपया, इसीलिए x अंडा का दाम, तो x से गुना हो जाएगा 3x/10 रुपीज, यानी फिर 3x/10 रुपीज, इतना में दो बार खरीदा x 2x अंडा लिया कितना में, तो x/5 × 3x/10 लगतम निकालेंगे 2x 3 × 5x/10 होगा, कट करके x/2 रुपया में लिया, ये हो गया क्रय मूल्य, तो x/2 ठीक है, और विक्रय मूल्य कितना होता है, ये क्रय मूल्य सही निकला। अब कह रहा है सभी अंडों को 30 रुपये प्रति सैकड़ा के दर से बेचा, यानी 100 अंडा का दाम 30 रुपया, इसलिए एक अंडा का दाम 30/100, इसलिए 2x अंडा का दाम, 0 0 कट गया, 2 × 5 = 10, 3x/5 रुपया, विक्रय मूल्य ये भी सही है, उसे लागत मूल्य पर 18 रुपया का लाभ हुआ, तो लागत क्रय मूल्य में 18 रुपया जोड़ेंगे तो वह 3x/5 रुपया आएगा, माइनस में आ जाएगा ये 3x/5 − x/2 = 18, ये हो गया 10, 5 से देंगे, नहीं ठीक है जी, 2×3 = 6x, ये हो गया 5x = 18, 6x में से 5x घटा दो, x/10 = 18, इसीलिए x = 18 दें 180, 360 है, हाँ जी, तो दुकानदार के द्वारा खरीदे गए अंडे 2x है, x का मान 180 रुपया निकला, अतः 2x अंडे का दाम बराबर 2×x का वैल्यू 180 बैठाओ, 180×360 रुपया आंसर, बोलो तो समझा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं ना, बना लोगे अपने से, इस पार्ट में इतना ही तक रहने दो।